आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। इनसे संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ नए जिलों के हिसाब से अपडेट आपको जीके दिया जाएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो राजस्थान की नवीनतम या राजस्थान की प्रथम जल नीति 17 फरवरी 2010 में लाई गई। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा 1.16%। यानी कि भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में जल का प्रतिशत कितना है? 1.16%। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का, 1.16%। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अब राजस्थान में कौन से स्रोतों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कुएं व नलकूपों के माध्यम से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कितने प्रतिशत? लगभग 70% के आसपास राजस्थान में कुएं व नलकूपों से सिंचाई होती है। अब आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि कुएं व नलकूपों से राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो आपका आंसर होगा जयपुर जिले में। कुएं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? जयपुर जिले में। दूसरे नंबर अलवर जिले में। अगर पूछे कि ऑल ओवर सिंचाई के स्रोत में सर्वाधिक कुएं व नलकूपों से कितने प्रतिशत? लगभग 70% के आसपास। और सर्वाधिक कुएं व नलकूपों से कहां सिंचाई होती है? तो आपका आंसर होगा जयपुर। और दूसरे नंबर सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? अलवर जिले के अंदर। उसके बाद में राजस्थान में नहरों से लगभग 30% सिंचाई होती है। नहरों से कितनी होती है? लगभग 30% नहरों से सिंचाई होती है। और नहरों से सर्वाधिक कौन से जिले में सिंचाई होती है? तो एक नंबर आएगा गंगानगर, श्रीगंगानगर। और दूसरे नंबर आएगा हनुमानगढ़ के अंदर सिंचाई होती है नहरों के माध्यम से। और नहरों से राजस्थान में कुल 30% लगभग सिंचाई होती है। उसके बाद में तालाबों के माध्यम से लगभग 1% के आसपास तालाबों से सिंचाई होती है। और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा जिले में होती है। कहां पर होती है? भीलवाड़ा जिले में। और दूसरे नंबर उदयपुर जिले में। अब आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है? तो आपका आंसर होगा श्रीगंगानगर के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। सर्वाधिक सिंचित एरिया माना जाता है किसमें? श्रीगंगानगर में। और राजस्थान में कौन सा जिला जो न्यूनतम सिंचित एरिया है? तो आपका आंसर होगा राजसमंद जिले में न्यूनतम सिंचाई होती है। अगर प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम सिंचाई कौन से जिले में? तो आपका आंसर होगा चूरू जिले में। अन्यथा राजस्थान में न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? राजसमंद जिला। और राजस्थान में बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला। ये तो सामान्य जानकारी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? अब राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? कुएं व नलकूप। तो इसका राइट आंसर होगा नलकूपों के माध्यम से राजस्थान में लगभग 70% के आसपास सिंचित एरिया होता है, यानी कि सॉरी सिंचाई के स्रोत माने जाते हैं। और सर्वाधिक जयपुर में और दूसरे नंबर अलवर के अंदर। अगला क्वेश्चन, कुएं व नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला। अब राजस्थान में कुएं व नलकूप से कितने प्रतिशत सिंचित होता है? 70%। इसमें से सर्वाधिक जयपुर जिले में होता है और दूसरे नंबर अलवर जिले में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? अब राजस्थान में नहरों के माध्यम से कितना क्षेत्र सिंचित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 39.75%। लगभग 30% नहरों के माध्यम से क्षेत्र को सिंचित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? अब नहरों के माध्यम से राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो आपका आंसर होगा श्रीगंगानगर 1 नंबर और दूसरे नंबर हनुमानगढ़।
नहरों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है। और ऑल ओवर पूछा कि राजस्थान में कौन से जिले के अंदर सिंचाई होती है, तो ऑल ओवर भी श्रीगंगानगर जिले के अंदर सर्वाधिक सिंचाई होती है और न्यूनतम राजसमंद जिले में होती है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। अब इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से हुआ, तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम सतलज व्यास नदी के संगम पर हरी के बैराज नाम से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। तो हम कह सकते हैं इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल सतलज व्यास नदी के संगम पर बना हरी का बैराज बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। और इंदिरा गांधी नहर की रूपरेखा 1948 में बीकानेर के कंवर सेन के द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। और हरी के बैराज नामक स्थान से 31 मार्च 1948 को भारत के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इंदिरा गांधी नहर की नींव रखी गई थी। इंदिरा गांधी नहर की नींव रखी गई यानी कि शिलान्यास किया गया था। कब? 31 मार्च 1958 को भारत के तात्कालिक गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास किया गया यानी कि नींव रखी गई थी। और कब? 1958 ईस्वी के अंदर। रूपरेखा किसने तैयार की थी? 1948 ईस्वी के अंदर बीकानेर के कंवर सेन के द्वारा इंदिरा गांधी नहर की रूपरेखा तैयार की गई थी या उसकी योजना बनी थी। किसने? कंवर सेन ने। लेकिन इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास कब हुआ था? 31 मार्च 1958 को इसका शिलान्यास हुआ था भारत के तात्कालिक गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। और सर्वप्रथम इंदिरा गांधी नहर के अंदर इसका उद्घाटन कब किया? तो इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति एच राधा कृष्ण के द्वारा 11 अक्टूबर 1961 के अंदर इंदिरा गांधी नहर के अंदर सर्वप्रथम पानी छोड़ा गया था। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन कब किया? 11 अक्टूबर 1961 भारत के उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्ण के द्वारा इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन किया गया था। उसके बाद में पहले इसका इंदिरा गांधी नाम नहीं था, पहले इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम परिवर्तन करके इंदिरा गांधी नहर नाम रख दिया। कब? 2 नवंबर 1984 को। तो योजना बनी 1948 में कंवर सेन के द्वारा, इसका शिलान्यास यानी कि इसकी नींव रखी गोविंद वल्लभ पंत भारत के गृह मंत्री 1958 में, इसका उद्घाटन यानी सर्वप्रथम 1961 में पानी छोड़ा गया था और भारत के उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्ण के माध्यम से, और पहले इसका नाम था राजस्थान नहर, इसका नाम परिवर्तन किया गया था 1984 के अंदर, इसका नाम परिवर्तन करके किया गया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इंदिरा गांधी नहर को और किस नाम से जाना जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, इसे मरुगंगा के नाम से जाना जाता है और इसे रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी नहर को। तो ये तो हुआ इसका इतिहास, और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा और फिर इसके बारे में और डिटेल से जानकारी देता रहूंगा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई, व्यास, सतलज, झेलम या रावी? तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से निकाली गई, यानी कि मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि व्यास और सतलज नदी के संगम पर हरी का बैराज नामक बांध बना हुआ है जो पंजाब के फिरोजपुर जिले के अंदर, पंजाब का फिरोजपुर जिले के अंदर ये हरी का बैराज बांध है, वहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। यानी कि पंजाब के फिरोजपुरा जिले से हरी का बैराज से लेकर राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला मसितावली तक 204 किलोमीटर तक इसकी पिडर नहर, यानी कि ये अंदर अंदर आती है, इसकी पिडर नहर कितनी है? 204 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई। अब आधारशिला या इसका शिलान्यास कब किया गया था? तो इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास 31 मार्च
1958 को भारत के तात्कालिक गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था, यानी कि इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसका राइट आंसर होगा दो नंबर। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। बिल्कुल, यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना मानी जाती है, इसका मतलब पहला कथन सही है। दूसरा है कि इसमें 204 किमी लंबी फिल्टर नहर है। बिल्कुल, दूसरा कथन सही है, क्योंकि इसका उद्गम होता है हरि का बैराज, जो कि पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले के अंदर है। वहां से लेकर मसीतावली हेड हनुमानगढ़ तक इसकी 204 किलोमीटर इसकी फीडर नहर की लंबाई है। उसमें से राजस्थान के अंदर कितनी फीडर नहर की लंबाई है? तो आपका आंसर होगा 35 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है इस फीडर नहर की लंबाई। और ऑल ओवर इंदिरा गांधी नहर की कुल कितनी फीडर नहर की लंबाई है? तो आपका आंसर होगा 204 किलोमीटर और राजस्थान में 35 किलोमीटर। इसका मतलब दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि यह पोग बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। यह कथन गलत है, क्योंकि यह पोग बांध से नहीं हरि के बैराज बांध से प्रारंभ होती है, यानी कि इसका उद्गम कहां से होता है? हरि का बैराज बांध से यह निकाली गई है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर, क्योंकि यह कथन गलत है। ऊपर क्या पूछा, असत्य कथन कौन सा है? तीन नंबर का। चौथा है कि इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जिससे विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है। बिल्कुल, चौथा कथन सही है। इसमें कुल 7 लिफ्ट नहरें, इंदिरा गांधी नहर में कितनी लिफ्ट नहरें? 7 लिफ्ट नहरें। और ये 7 लिफ्ट, यानी कि लिफ्ट नहर किसे कहते हैं? जिसे लिफ्ट के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है उसे बोलते हैं लिफ्ट नहरें, यानी कि इंदिरा गांधी नहर से वह ऊंचाई पर स्थित है और लिफ्ट के माध्यम से पानी पहुंचाई जाती है। तो इसमें कुल 7 लिफ्ट नहरें हैं और इसके अंदर कुल 9 शाखा है। कितनी? 9 शाखा है। एक बार मैं उन 7 लिफ्ट नहरों के नाम बता दूं। एक का नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर, पन्नालाल वारूपाल लिफ्ट नहर, वीर तेजा जी लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। ये 7 लिफ्ट नहर हैं, इनके बारे में हम विस्तार से आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया? तो इसका तो राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका राइट आंसर होगा एक नंबर का। अगला क्वेश्चन, जिलों के किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है? इनकी इंदिरा गांधी नहर से ऐसे कौन से जिले हैं जो केवल पेयजल के लिए उपयोग में लेते हैं? झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर, इनकी जो सिंचाई के काम में नहीं लेते हैं, केवल और केवल पीने के पानी काम में लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान के अंदर ऐसे कितने जिले हैं जो इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई भी करते हैं और प्लस पेयजल, यानी कि इन दोनों के लिए काम में कौन कौन से जिले हैं? तो एक आएगा श्रीगंगानगर जो सिंचाई और पेयजल के लिए, हनुमानगढ़ सिंचाई और पेयजल के लिए, बीकानेर, इसके अलावा चूरू, इसके अलावा जैसलमेर और इसके अलावा जोधपुर। ये राजस्थान के 6 जिले जो इंदिरा गांधी नहर के पानी का उपयोग सिंचाई के भी काम में लेते हैं और पेयजल के भी लिए लेते हैं। कौन कौन से? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर और जोधपुर। ये राजस्थान के 6 जिले हैं जो इंदिरा गांधी नहर का पानी का उपयोग सिंचाई के लिए भी उपयोग में लेते हैं और पेयजल के लिए भी उपयोग में लेते हैं। लेकिन अगर नवीनतम जिले और आ जाए, कि नवीनतम जिले और पुराने जिले दोनों के हिसाब से आ जाए, तो ये 6 जिले तो ये और नवीनतम जिले में एक अनूपगढ़ आएगा जो सिंचाई और पेयजल दोनों के काम आता है। इसके अलावा एक फलोदी जिला और हम कह सकते हैं जोधपुर का, हम कह सकते हैं जोधपुर ग्रामीण कह सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये राजस्थान के
सात जिले जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई और पेयजल दोनों के काम में आते हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण और फलौदी। और इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पेयजल के रूप में उपयोग कौन कौन से जिले लेते हैं, तो आपका आंसर होगा झुंझुनू जिला, सीकर जिला, नागौर और बाड़मेर। ये चार जिले पुराने जिलों के हिसाब से जो केवल इंदिरा गांधी नहर का पानी पेयजल के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन नवीनतम जिलों के साथ जोड़ा जाए तो आपका आंसर होगा डीडवाना, कुचामन और नीम का थाना, ये दो जिले और जोड़ देना अपने नोटबुक के अंदर। तो राजस्थान के ऐसे छह जिले हो गए, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर और डीडवाना, कुचामन और नीम का थाना, ये राजस्थान के छह जिले जो इंदिरा गांधी नहर का पानी पेयजल के रूप में काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है? बीकानेर के अंदर पेयजल उपयोग में लिया जाता है, जोधपुर और बाड़मेर में भी लिया जाता है, लेकिन पाली इसका राइट आंसर होगा। पाली के अंदर इंदिरा गांधी नहर से न तो सिंचाई होती है और न ही पीने के लिए पानी पहुंचाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो सिंचाई के स्रोत भी उपलब्ध करवाती है और पीने के पानी भी प्रदान करती है, इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? अब इंदिरा गांधी नहर से कौन से जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है? तो मैंने राजस्थान के पुराने जिलों के हिसाब से छह जिले और नवीनतम जिलों के हिसाब से आठ जिलों के अंदर राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं। एक बीकानेर जिला, चूरू जिला, श्रीगंगानगर जिला, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर, लेकिन बाकी के अंदर कोटा इसके अंदर आएगा नहीं, दोसा आएगा नहीं, और तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। हालांकि बाड़मेर के अंदर सिंचाई नहीं होती है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा क्योंकि नजदीक आंसर है, तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कौन कौन से जिलों में सिंचाई होती है। तो एक गंगानगर जिले में, एक हनुमानगढ़ जिले में, एक बीकानेर जिले में, एक नवीनतम जिला अनूपगढ़, चूरू जिले में, जैसलमेर जिले में और नवीनतम फलौदी जिले में और जोधपुर जिले में, जोधपुर ग्रामीण जिले में, इन जिलों में सिंचाई उपलब्ध होती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से केवल पेयजल के रूप में अर्थात पानी पीने के काम में लिया जाता है। तो वैसे पुराने जिलों के हिसाब से चार जिले, नवीनतम जिलों के हिसाब से छह जिले, कौन कौन से मैं बता देता हूं। एक झुंझुनू जिला जो केवल पीने के रूप में पानी उपयोग में लेता है इंदिरा गांधी का, एक सीकर और एक नागौर और एक बाड़मेर, और इसके अलावा नवीनतम दो, डीडवाना, कुचामन और नीम का थाना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिमी राजस्थान, इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। अगला क्वेश्चन, पहला कथन, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती है, इसका मतलब पहला कथन सही है। इसका कारण है कि इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान कर रही है, कर दी है, इसका मतलब दूसरा भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा कथन कारण दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 19.45 लाख हेक्टर, इसका राइट आंसर होगा चार नंबर। लेकिन वर्तमान के अंदर यह हेक्टर कम किया है, 16.17 लाख हेक्टर होगा। यदि वर्तमान में क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर होगा 16.17 लाख हेक्टर जो इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान में सिंचित एरिया होगा।
16.17 लाख हेक्टर वर्तमान के हिसाब से अगर प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये 2016 का क्वेश्चन है, अगर वर्तमान के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर होगा 16.17 लाख हेक्टर। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम शोर है कडरा रोड, लूणकरणसर, मोहनगढ़ या जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनगढ़, जैसलमेर तक इंदिरा गांधी नहर का अंतिम पॉइंट है उसे बोलते हैं 0 पॉइंट, यानी कि इंदिरा गांधी नहर की जो मुख्य नहर है उसकी अंतिम पॉइंट है मोहनगढ़ जैसलमेर, जिसे बोलते हैं 0 पॉइंट। इस मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर गडरा रोड बाड़मेर तक एक उप शाखा निकाली गई है जिसकी कुल लंबाई है 165 किलोमीटर, यानी कि मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर गडरा रोड बाड़मेर तक इंदिरा गांधी नहर की एक उप शाखा निकाली गई है यहां से, उसका नाम है बाबा रामदेव उप शाखा, जो 165 किलोमीटर है मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर गडरा रोड बाड़मेर तक निकाली गई है। अब मैं आपको इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई बता देता हूं। इंदिरा गांधी नहर कहां से उद्गम होती है? हरी का बैराज बांध, जो सतलज और व्यास नदी के संगम हरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है, वहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। वहां से लेकर मसीतावली हेड हनुमानगढ़ तक इंदिरा गांधी नहर की फिल्टर नहर है कितनी है? 204 किलोमीटर। और इंदिरा गांधी नहर की मुख्य लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। और ऑल ओवर इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है 700 × 50 किलोमीटर, कितनी है? 700 × 50 किलोमीटर। और ये इंदिरा गांधी नहर का अंतिम पॉइंट है मोहनगढ़ जैसलमेर, और इस मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर गडरा रोड बाड़मेर तक एक उप शाखा निकाली गई है जिसे बोलते हैं बाबा रामदेव उप शाखा, और जिसकी लंबाई है 165 किलोमीटर। तो इंदिरा गांधी नहर की फिडर नहर की लंबाई 204 किलोमीटर, इंदिरा गांधी नहर की मुख्य लंबाई 445 किलोमीटर, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 700 × 50 किलोमीटर, और इंदिरा गांधी नहर का अंतिम पॉइंट है मोहनगढ़ जैसलमेर जिसे बोलते हैं 0 पॉइंट, और यहां से लेकर गडरा रोड बाड़मेर तक एक उप शाखा निकली है जिसका नाम है बाबा रामदेव उप शाखा, जिसकी कुल लंबाई 165 किलोमीटर। तो ये इतनी बातें याद रखना। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई है, तो इसका राइट आंसर होगा 204 किलोमीटर, कितनी है? 204 किलोमीटर। अब मैं आपको वापस बता देता हूं, हरी का बैराज बांध से लेकर मसीतावली हेड हनुमानगढ़ तक राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर की फीडर नहर की लंबाई है 204 किलोमीटर, उसमें से राजस्थान के अंदर इस फीडर नहर की लंबाई केवल 35 किलोमीटर, कितनी है? 35 किलोमीटर। तो आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की फीडर नहर की लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर होगा 35 किलोमीटर, और इंदिरा गांधी नहर की कुल फीडर नहर की लंबाई कितनी है, तो 204 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर, इंदिरा गांधी नहर की फीडर नहर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर, और राजस्थान में कितनी है? 35 किलोमीटर, और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की मुख्य लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर, और ऑल ओवर इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है राजस्थान और पंजाब को मिलाकर, तो आपका आंसर होगा 700 × 50 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है, तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़ जिले से ये प्रवेश करती है इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है, तो मुख्य नहर की है 445 किलोमीटर, इसका राइट आंसर होगा एक नंबर का। अगर पूछे कि इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है, 700 × 50 किलोमीटर, इंदिरा गांधी नहर की फीडर लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है, इसका राइट आंसर होगा 700 × 50 किलोमीटर, लेकिन 700 × 50 इसमें कई ऑप्शन नहीं है, तो इसका नजदीक आंसर होगा 750 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला कथन, कुएं व नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा, गंग नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ था, बिल्कुल दूसरा भी कथन सही है। तीसरा, इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, यह कथन गलत है, इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का,
क्योंकि इंदिरा गांधी नहर के बहुत सारे उद्देश्य है, यानी कि इसका इंदिरा गांधी नहर का पानी पीने के काम में आता है, सिंचाई के काम में भी आता है। तो इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। और चौथा ऑप्शन है कि खड़ीन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। बिल्कुल, खड़ीन जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। इसका राइट यानी कि यह भी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो रूपरेखा तैयार की या योजनाकार कह सकते हो, इसका राइट आंसर होगा कंवर सेन के द्वारा 1948 ईस्वी के अंदर इंदिरा गांधी नहर की रूपरेखा तैयार की गई थी या इंदिरा गांधी नहर की योजना बनाई गई थी कंवर सेन के द्वारा 1948 ईस्वी के अंदर। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर। अगला क्वेश्चन, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा कंवर सेन द्वारा, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन क्या नाम था? राजस्थान नहर। ये तो राजस्थान नहर का नाम परिवर्तन करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया था 2 नवंबर 1984 को। तो इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। अगला क्वेश्चन, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। किसको? इंदिरा गांधी नहर को। इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कंवर सेन के दिमाग की उपज मानी जाती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार लिप्त नहरों की कुल लंबाई कितनी है? प्रश्न क्या पूछा है? इंदिरा गांधी की लिप्त नहर, इंदिरा गांधी के ऊपर कितनी लिप्त नहर है? 7 लिप्त नहर है। इन 7 लिप्त नहरों में की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 2500 यानी कि 2515.90 किलोमीटर है। 2515 किलोमीटर लगभग इन लिप्त नहरों की कुल लंबाई है। इंदिरा गांधी के ऊपर कुल 7 लिप्त नहरें निकाली गई हैं और इन 7 लिप्त नहरों की कुल लंबाई है 2515.90 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर। आने वाले एग्जाम के अंदर यहां से वापस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह आर्थिक समीक्षा के अंदर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिप्त नहरों की संख्या है? अब इंदिरा गांधी नहर पर कुल कितनी लिप्त नहरें निकाली गई हैं? इसका राइट आंसर होगा कुल 7 लिप्त नहरें निकाली गई हैं। अगर पूछे कि इंदिरा गांधी नहर से कितनी शाखाएं निकाली गई हैं, तो आपका आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर से कुल 9 शाखाएं निकाली गई हैं और लिप्त नहरें कितनी? 7 लिप्त नहरें और कुल 9 शाखाएं निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर से। आगे हम जैसे जैसे इंदिरा गांधी नहर के लिप्त के क्वेश्चन आएंगे हम डिस्कशन करेंगे। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण के सही क्रम है। अब इंदिरा गांधी नहर पर कुल 9 शाखाएं बनी हुई है, इन शाखाओं का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका तो राइट आंसर होगा अनूपगढ़ आएगी, अनूपगढ़ के बाद में पुंगलगढ़, पुंगलगढ़ के बाद में बिरसलपुर और बिरसलपुर के बाद में चारण वाला। इसका तो राइट आंसर होगा तीन नंबर का। अब मैं उन 9 शाखाओं के नाम बता देता हूं उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा। इस इंदिरा गांधी नहर के 8 शाखा तो दाएं तरफ निकाली गई है और 1 शाखा बाएं तरफ निकाली गई है। 1 शाखा का नाम है रावतसर शाखा, जो कि इंदिरा गांधी नहर के बाईं ओर निकाली गई है और बाकी 8 शाखाएं इंदिरा गांधी नहर के दाईं ओर निकाली गई है। अब दाईं ओर कौन कौन सी शाखाएं निकाली गई है? ऊपर से उत्तर से शुरुआत करें तो ऊपर आएगा सूरतगढ़ शाखा, सूरतगढ़ के बाद में आएगा अनूपगढ़ शाखा, अनूपगढ़ के बाद में आएगा पुंगलगढ़ शाखा, उसके बाद में आएगा दातोर शाखा, दातोर के बाद में आएगा बिरसलपुर शाखा और उसके बाद में आएगा चारण वाला शाखा और उसके बाद में आएगा शहीद बीरबल शाखा और उसके बाद में आएगा सागरमल गोपाल शाखा। यानी कि
उत्तर से दक्षिण की ओर इन शाखाओं का क्रम पूछा जाए तो पहले आएगा सूरतगढ़ शाखा, उसके बाद में आएगा अनूपगढ़ शाखा, उसके बाद में आएगा पुंगलगढ़ शाखा, उसके बाद में आएगी दातोर शाखा, उसके बाद में आएगी बिरसलपुर शाखा, और उसके बाद में आएगी चारणवाला शाखा, उसके बाद में आएगी शहीद बीरबल शाखा, और उसके बाद में आएगी सागरमल कोपा शाखा। ये इन शाखाओं का क्रम पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं की लिप्त नहरों की स्थिति से प्रदर्शित की गई है। मानचित्र के नीचे दिए गए क्रम में उन्हें पहचानिए और उत्तर दीजिए। अब ये इसका तो राइट आंसर होगा एक नंबर, सबसे लास्ट में जयनारायण व्यास लिप्त नहर, उसके बाद में डॉक्टर करण सिंह लिप्त नहर, कुंवर सेन लिप्त नहर, और उसके बाद में चौधरी कुंभाराम लिप्त नहर। इसका तो राइट आंसर होगा एक नहर, एक नंबर का। अब मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर के ऊपर कुल कितनी लिप्त नहरें निकाली गई है, 7 लिप्त नहरें निकाली गई। अब आपसे आने वाले एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर इसका सही क्रम क्या है। अब इंदिरा गांधी नहर के बाएं तरफ ये कुल 7 लिप्त नहरें निकाली गई है। अब इंदिरा गांधी नहर पर उत्तर से प्रथम चौधरी कुंभाराम लिप्त नहर आती है, चौधरी कुंभाराम लिप्त नहर जिसका प्राचीन नाम नौर साहिबा लिप्त नहर है। दूसरे नंबर कंवर सेन लिप्त नहर जिसका प्राचीन नाम लून करण सर लिप्त नहर है। तीसरे नंबर पन्नालाल वारूपाल लिप्त नहर जिसका प्राचीन नाम गजनेर लिप्त नहर है। और चौथे नंबर की वीर तेजाजी लिप्त नहर जिसका प्राचीन नाम बागड़ सर लिप्त नहर है, जो सबसे छोटी लिप्त नहर मानी जाती है। और पांचवी डॉक्टर करणी सिंह लिप्त नहर जिसका प्राचीन नाम कोलायत लिप्त नहर था। और छठी गुरु जम्बेश्वर लिप्त नहर जिसका प्राचीन नाम फलोदी लिप्त नहर था। और सातवें नंबर की जय नारायण व्यास लिप्त नहर जिसका प्राचीन नाम पोकरण लिप्त नहर था। ये उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर इन लिप्तों का सही क्रम पूछा जाता है, तो आपका आंसर ये होगा। आगे ये कौन से जिले को लाभान्वित करती है, आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लिप्त नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है। कुंवर सेन लिप्त नहर गंगानगर और बीकानेर जिले को लाभान्वित करती है, इसका मतलब पहला कथन सही है। कुंभाराम आर्य लिप्त नहर जैसलमेर और बाड़मेर जिले को लाभान्वित करती है, यह कथन गलत है क्योंकि दूसरा कथन गलत है। तीसरा की डॉक्टर करणी सिंह लिप्त नहर बीकानेर जोधपुर को लाभान्वित करती है, बिल्कुल सही है। और जयनारायण व्यास लिप्त नहर जैसलमेर और जोधपुर को लाभान्वित करती है, जो कि सही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी लिप्त नहर कौन कौन से जिले को लाभान्वित करती है, पुराने जिलों के हिसाब से और नवीनतम जिलों के हिसाब से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले आती है चौधरी कुंभाराम लिप्त नहर, चौधरी कुंभाराम आर्य लिप्त नहर जिसका प्राचीन नाम पूछा जा सकता, तो आपका आंसर होगा नौर साहिबा लिप्त नहर। अब चौधरी कुंभाराम लिप्त नहर जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले को लाभान्वित करते हैं, इसके अलावा बीकानेर चूरू और झुंझुनू जिला, इन जिले को लाभान्वित करने वाली कौन सी लिप्त नहर है, चौधरी कुंभाराम आर्य लिप्त नहर जिसका प्राचीन नाम नौहर साहिबा लिप्त नहर। कौन से जिले को अपना जल लाभान्वित करवाती है, हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू और झुंझुनू जिले को लाभान्वित करती है। और ये इंदिरा गांधी नहर पर बनी सबसे लंबी लिप्त नहर मानी जाती है, चौधरी कुंभाराम आर्य लिप्त नहर। पहला फैक्ट क्लियर हुआ। दूसरा कंवर सेन लिप्त नहर, कंवर सेन लिप्त नहर जिसका प्राचीन नाम आपसे प्रश्न पूछे तो आपका आंसर होगा लून करण सर लिप्त नहर, जो इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई सबसे पहली लिप्त नहर थी। कौन सी, कंवर सेन लिप्त नहर जिसका प्राचीन नाम लून करण सर लिप्त नहर, जो गंगानगर और बीकानेर को लाभान्वित करती है लेकिन नवीनतम जिलों के हिसाब से अनूपगढ़ जिले को भी लाभान्वित करती, कौन, कंवर सेन लिप्त नहर। तीसरे नंबर की पन्नालाल वारूपाल लिप्त नहर जिसका प्राचीन नाम गजनेर लिप्त नहर, जो मुख्य रूप से बीकानेर और नागौर जिलों को लाभान्वित करती है। और चौथे नंबर की वीर तेजाजी लिप्त नहर, वीर तेजाजी लिप्त नहर जो सबसे छोटी लिप्त नहर मानी जाती है इंदिरा गांधी नहर पर।
और ये केवल बीकानेर जिले को लाभान्वित करती है, बीकानेर जिले को केवल लाभान्वित करती है। और उसके बाद में डॉक्टर करणी सिंह लिप्त नहर, जिसका प्राचीन नाम कोलायत लिप्त नहर, जो मुख्य रूप से बीकानेर और जोधपुर जिले को लाभान्वित करती है, लेकिन नवीनतम जिलों में फलौदी जिले को भी लाभान्वित करती। कौन सी? डॉक्टर करणी सिंह लिप्त नहर। छठे नंबर की गुरु जम्बेश्वर लिप्त नहर, जिसका प्राचीन नाम फलौदी लिप्त नहर था, जो मुख्य रूप से बीकानेर जिले को और फलौदी जिले को जल की आपूर्ति करती है। और सातवें नंबर की है जयनारायण व्यास लिप्त नहर, जिसे बोलते हैं पोकरण लिप्त नहर, जिसका प्राचीन नाम था, जो मुख्य रूप से जोधपुर और जैसलमेर जिले को लाभान्वित करती थी, लेकिन वर्तमान में फलौदी जिले को भी लाभान्वित करती। तो ये सात लिप्त नहर, जिसके प्राचीन नाम कौन कौन से थे और कौन कौन से जिले को ये लाभान्वित करती है, आने वाले एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है, तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़ और झुंझुनू जिला। एक तो चौधरी कुंभाराम आर्य लिप्त नहर इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिप्त नहर है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका प्राचीन नाम नौर साहिबा लिप्त नहर है और यह हनुमानगढ़, बीकानेर, झुंझुनू और चूरू, इन चार जिलों को लाभान्वित करती है। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर का। अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। आप सबका धन्यवाद।